चौथा ट्रांसफर सेल है? नहीं, तो फिर फाइनल सेल। चौथा क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। पांचवा क्या है? ट्रांसफर सेल। ठीक है, अब आइए एक एक करके इन सबके बारे में बातें करेंगे। सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। सीव सेल्स को हिंदी में कहते हैं चलनी कोशिकाएं और चलनी वाहिकाएं। कैसी बनेगी? दो प्रकार की हो सकती हैं। एक सीव सेल के बारे में बताता हूं, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसके ऊपर गैप्स होंगे, या फिर इस तरह का होगा, क्या फर्क नजर आ रहा है आप सबको इस फिगर में? देखिए, ऑब्लिक है ना, द इन पोर्शंस आर इन ऑब्लिक पोजीशन एंड द इन पोर्शंस आर इन ट्रांसवर्स पोजीशन या फ्लैट। ये ऑब्लिक पोजीशन में हो गए और दूसरा क्या हो गया? फ्लैट पोजीशन में हो गया। सीव सेल्स की खास बात होती है कि सीव सेल्स, एक एक सीव सेल आपस में मिल करके सीव ट्यूब का निर्माण करती हैं। जनरली जो सीव सेल्स ऑब्लिक शेप की होती है, दो प्रकार की सीव सेल्स आपको नजर आएंगी, एक आएगी ऑब्लिक वाली और दूसरी आएगी फ्लैट ऑब्लिक ट्रांसवर्स एंड वॉल वाली, दो तरह की नजर आएगी आप सबको। जो सीव सेल ऑब्लिक वाली होती है वो जनरली आपस में जुड़ करके नलियों का निर्माण करती है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, इस तरह की चीज दिखाई देगी। ये बन जाएगा क्या? सीव ट्यूब। लेकिन सीव सेल और सीव ट्यूब में बेसिक अंतर होता है। क्या अंतर होता है सीव सेल और सीव ट्यूब में? जब कभी भी हम लोग सीव सेल के बारे में चर्चा करेंगे, फिगर बना लीजिएगा, या अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाएगा, आप लोग वहां से आराम से देख करके बना लीजिएगा। देखिए, हेडिंग लिखते हैं सीव सेल्स। सीव सेल दे आर the specialized cells having thickening and perforations in their side walls
इन देयर साइड वॉल्स. क्या मैसेज किया भाई किसी ने? देखने दो. They are the specialized having thickening and perforations in their side wall. Side wall का क्या मतलब होगा? बनाएं, ठीक है? फिर आपको दिखाएं. फिगर दिख रहा है सबको? आप सभी लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. साइड वॉल में, जब साइड वॉल में परफोरेशंस पाए जाएं, और जो जहां परफोरेशन नहीं वहां क्या है? थिकनिंग है. जब साइड वॉल में परफोरेशन पाए जाए और साइड में बाकी बची हुई जगहों पर लेटरल वॉल्स में क्या पाया जाए? थिकनिंग पाई जाए, तो इस प्रकार की सेल्स को सीव सेल कहेंगे. ठीक है, ये परफोरेशन है. और ये बाकी बची हुई चीजें क्या है? थिकनिंग है. बना लीजिए इसको. जो ये साइड की वॉल्स हैं, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से बाकी ऊपर को मैं छोड़ रहा हूं, बाकी ऊपर से भी है वो, इसको हम लोग साइड वॉल या लेटरल वॉल भी बोलेंगे. लेटरल वॉल बोलेंगे. ठीक है, करिए. अब हम बात करते हैं सी ट्यूब्स की. सीव ट्यूब में छोटी छोटी सीव सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेती हैं. लेकिन कुछ इसमें बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. वो क्या है? सीव ट्यूब आर द इलॉन्गेटेड सेल्स. दे आर द इलॉन्गेटेड सेल्स हैविंग perforations in the lateral wall as well as at the top of the cell. तो कैसा नजर आएगा? ऐसा कुछ नजर आएगा. यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? यहां देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? परफोरेशंस. परफोरेशंस विच आर प्रेजेंट. परफोरेशन का मतलब सीव, माने चलनी. चलनी जहां जहां छोटे छोटे छेद हो जाए तो चलनी जैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर. तो अब ये जो परफोरेशंस हैं,
ना सिर्फ लेटरल वॉल में पाए जा रहे हैं बट ऑल्सो फाउंड एट द टॉप ऑफ द सेल। आप यहां भी देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ये दो अलग अलग कोशिकाएं हैं। ये क्या है, ये अलग कोशिका है, ये अलग कोशिका, और दोनों आपस में आकर के ज्वाइंट हो गए। क्या बना ली, एक ट्यूब जैसी संरचना बना ली। अगर हम इस वाले हिस्से का सेक्शन काट कर देखें, इस वाले हिस्से का सेक्शन काट कर देखें तो कुछ ऐसे नजर आएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर सिर्फ ऊपर वाली परफोरेशंस का काट के देखें, टॉप को काट कर देखते हैं तो कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि एक प्लेट है जिसमें बहुत सारे छेद हो गए। चलनी, चलनी देखा है वो करवा चौथ में जिससे देखते हैं, कुछ इसी तरह का नजर आएगा। और ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा छेद है, उसमें थोड़े छोटे छेद होते हैं, यही ना, लेकिन होता सेम ही है। तो इसको हम लोग कहेंगे सीव प्लेट, सीव प्लेट। समझ में आ रहा है क्या कहते, किसे कहते हैं सीव प्लेट? भगत, भगत सिंह पटेल कहां है, लगा के चले गए। सीव प्लेट किसे कहेंगे? परफोरेशंस फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। ठीक, जब हम उसका सेक्शन काटते हैं तो एक सॉसर तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें परफोरेशंस होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सीव प्लेट। अब सीव प्लेट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सीव प्लेट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे बताते हैं, सीव प्लेट या तो सिंपल सी प्लेट हो या फिर कंपाउंड सी प्लेट हो। या तो सिंपल सी प्लेट हो या फिर कंपाउंड सी प्लेट हो। सिंपल सी प्लेट में अगर ऐसा पाया जा रहा है तो सिंपल, फिर डिफरेंस क्या है कंपाउंड से देखिए। यहां पर सीव एरिया सिर्फ एक है, सिंगल सीव एरिया प्रेजेंट इन द सीव सेल इज नोन एज सिंपल सीव प्लेट। बट हियर कंपाउंड सीव प्लेट में देयर आर सो मेनी
sieve areas 1, 2, 3, 4. If you have lots of sieve areas, then you can say that this is the compound sieve plate. Whether if we have a simple single sieve area, then called as simple sieve plate. समझ में आ गया सबको? Simple sieve plate कैसा होता है? Compound sieve plate कैसा होता है? अब अगर sieve ट्यूब लंबी बनानी है, sieve ट्यूब को लंबा बनाना है, तो दो ऑब्लिक्स एरिया के आधार पर, यानी ऐसा कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू द इंड वॉल ऑफ सीव सेल्स द sieve element for two type of structure. वो कौन से दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे sieve cell के इंडवॉल के आधार पर? पहला है A, अगर ऑब्लिक इंडवॉल हो तब B, अगर ऑब्लिक इंडवॉल हो, और दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स इंडवॉल. ऑब्लिक इंडवॉल में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अगर ऑब्लिक है तो लंबा सेल्स जुड़ करके आपस में ट्यूब का संरचना बना सकती हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स इंडवॉल वाली होती हैं सेल्स, वो सिर्फ छोटी छोटी संरचनाएं बनाती हैं, यानी कि सेल्स बना सकती हैं। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, यहां मैंने दो को जोड़ा है, दो के बाद ऐसे ही आगे भी जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही दिखाई। इसका मतलब यह है कि द सीव सेल हैविंग ट्रांसवर्स इंड वॉल, मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। द सीव सेल हैविंग ट्रांसवर्स इंड वॉल आर वेरी शॉर्ट। These cells are not intended to for tube. So, which type of cells are intended to for tube cells? The cells having oblique. देखिए तिरछा है ना, oblique का मतलब तिरछा. Oblique end wall is intended or intended to for sieve tubes. अब कोई पूछे कि कौन सी सेल सीव ट्यूब बनाती हैं? तो सर, द सीव सेल्स विच हैव ऑब्लिक, क्या है, द सेल्स विच हैव ऑब्लिक इंड वॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द सीव ट्यूब्स। समझ में आई बात आप सबको? नो सर, क्या नहीं समझ में आया? अब सीव सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सीव एलिमेंट कह देते हैं, सीव एलिमेंट क्या क्या है? दे है, अगर हम बात करें मैच्योरिटी पर, एट मैच्योरिटी पहला पॉइंट होगा, एट मैच्योरिटी
The sieve cells have very thin layer of cytoplasm and they do not contain any nucleus. They do not contain any nucleus. समझ में आ रही है? इसके साथ साथ they have a large sized vacuole. Vacuole is a cell organ. They have a large sized vacuole. Inside vacuole, तीसरा पॉइंट, inside vacuoles they have slimy bodies. They have slimy body. These slimy bodies are proteinaceous in nature. Protein की बनी होती हैं. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं proteinaceous in nature. आज हम लोग अपनी इस क्लास से ही याद करके क्लास को फिनिश करेंगे. देखिए दोहरा देते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर कोई सीव सेल है तो. एट मेच्योरिटी उनके पास क्या होना चाहिए? वेरी थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए उनके पास? न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है इसमें एक लार्ज साइज का वैक्यूल पाया जाएगा. तीसरा पॉइंट है उस वैक्यूल के अंदर प्रोटीनेशियस नेचर का स्लाइमी बॉडीज पाई जाएंगी. इन स्लाइमी बॉडीज में अगला पॉइंट हम देखेंगे अगर यंग है सीव सेल. इन यंग सीव सेल, इन यंग सीव सेल स्लाइम बॉडीज कंटेन P1 प्रोटीन. Contain P1 protein. ठीक है, क्या कंटेन करता है? P1 प्रोटीन को कंटेन करता है. जब यही सेल्स मैच्योर हो जाती है, आफ्टर मैच्योरिटी the slime the this P1 protein convert into P2 protein. This P1 protein convert into P2 protein. आखिर P1 और P2 करते क्या है ये देखते हैं. अगर हम ये मान लें पी प्रोटीन कह दें इनको, पी प्रोटीन मींस P1 एंड P2 के बारे में बात हो रही है. P1 एंड P2, पी प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलिंग ऑफ द सीव ट्यूब. सीव ट्यूब या सेल्स, सीव सेल्स आफ्टर गेटिंग एनी इंजरी. दिखाते हैं फिगर से. आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया तो हम हटाए इसे. आप सभी ने नोट कर लिया इसे? यस सर. इसे हटा रहे हैं.
अब फिगर से दिखाते हैं क्या वास्तव में पी प्रोटीन करता है। सभी लोग हटा देना। Yes, sir. पी प्रोटीन क्या करता है इससे बताने से पहले आपको ये बताइए, पहली क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होना चाहिए। न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियस सीव सेल्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? नहीं होगा। नहीं पाया जाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा? लार्ज साइज में क्या कौन सा ऑर्गन यहाँ पाया जाएगा? वैक्यूल पाया जाएगा। और वैक्यूल क्या कंटेन करेगा अपने अंदर? स्लाइमी बॉडी, वेरी गुड। And the slimy bodies is protein. Slimy body is proteinaceous in nature, which contain P1 protein if the sieve cell is in young condition. ठीक है? जब mature हो जाएगा तो वही P1 protein convert हो जाएगा किसमें? P2 protein में। P1 और P2 क्या क्या काम करते हैं? Sealing of the injury portion. क्यों भाई? क्या जरूरत पड़ गई हमें pipeline को seal करने की? हम कभी भी जब कहीं पाइपलाइन टूट जाती है तो हम इसे क्यों सील करते हैं? ताकि पानी या ड्रेनेज बाहर न बहे, जहां हम चाहते हैं वहां पर वो डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन अगर पाइपलाइन टूट जाएगी तो क्या होगा? इधर उधर बिखरेगा पानी, जहां पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच करके साइड में। अब चूंकि फ्लोएम जो है साधारण चीज तो लेकर जा नहीं रहा, पौधों का भोजन लेकर के जा रहा है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से दूसरी जगह, उसका टूट जाना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, महंगा पड़ेगा। इसको रोकने के लिए नेचर ने कई सारी प्रक्रिया बनाई है, लेकिन जो इसमें एक प्रक्रिया है पी वन प्रोटीन डाल दिया, उसमें पी वन प्रोटीन क्या करता है? सील कर देता है कोई भी इंजरी पोर्शन को। देखते हैं कैसे। सपोज करिए लीफ ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो फूड मटेरियल है बनता तो लीफ में ही है ना, और कहां ट्रांसपोर्ट है? चलिए मान लेते हैं कि स्टेम या रूट्स में जा रहा है, ठीक, मोटा मोटा एक रूट्स एरिया में जा रहा है। अब यहां से फूड चला, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? इन नॉर्मल कंडीशन यहां देखिए, इन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा भी? रेड से दिखाएंगे तो पता चलेगा, यहां से होते हुए फूड मटेरियल कहां आ जाएगा? कहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? रूट एरिया। लीफ से कहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? रूट एरिया में। सपोज करिए यहां कहीं ब्रेकेज हो जाए, क्या हो जाएगा? प्लीज थोड़ा सा यहां तोड़ दिया, तीन चार जगह टूट गया, अब क्या होगा? यहां पे लीफ थी, खाना आया, चला यहां से, यहां तक सब अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। अब यहां कम निकलेगा और यहां से भी खाना बाहर निकलने लगेगा, यहां से भी खाना बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। जहां ज्यादा पहुंचना चाहिए वहां पे अब कम पहुंचेगा और वेस्टेज बढ़ जाएगा। इस वेस्टेज को रोकने के लिए क्या चाहिए? कैसे रोक सकते हैं इसको? अगर हम इसको सील कर दें, इन गैप्स को सील कर दें तो नहीं होगा। सील करने का काम कौन करेगा? पी प्रोटीन विच इज पी वन एंड पी टू।
ग्रीन कलर से प्लग कर सील कर देते हैं इसको। सील हो गया, ठीक है। अब क्या बाहर निकलेगा? फूड मटेरियल P1 P2 के सील होने के बाद क्या बाहर निकलेगा? वेस्ट होगा? नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? P1 और P2 का क्या रोल होता है? इसके साथ साथ एक और काम हो जाए, एक और काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डैमेज इतना सीवियर हो जाता है, कभी कभी डैमेज इतना सीवियर हो जाता है कि चक्की लगाने या फिर सील करने से काम बनेगा नहीं, तो क्या किया जाएगा? पाइप को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, पाइप को रिप्लेस करना पड़ेगा। पाइप को रिप्लेस हो जाएगा लेकिन ज्वाइंट, उसके लिए क्या होगा? एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मान लीजिए डैमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डैमेज हो गया तो कोई समस्या नहीं हुई। जो सीव सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उसके बगल से ही एक दूसरी सीव ट्यूब का निर्माण हो जाता है, ठीक। लेकिन ये सेल तो डैमेज हो चुकी है, अगर ये रहा तो इंफेक्शन का भी काम कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि यहां से ये पूरा सील हो जाए, यहां से ये पूरा सील हो जाए। इस सीलिंग को कहते हैं कैलोज प्लग फॉर्मेशन, कैलोज प्लग फॉर्मेशन। क्या करें यार, जहां पे डैमेज हुआ है उसके बगल से नई सीव ट्यूब का निर्माण कर लिया जाएगा, उन सेल्स को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ छोड़ देंगे तो वो इंफेक्शन का काम भी करना शुरू कर देगा, फंगस बैक्टीरिया जाके घुसेंगे और समस्या क्रिएट कर सकते हैं। क्या किया जाएगा? प्लग का परमिशन कर दिया जाएगा, उनके दोनों साइड से उनको प्लग करके बंद कर दिया जाएगा। कैलोज प्लग कहते हैं उसको, ठीक है। न सिर्फ कैलोज प्लग, इसके अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू के गुब्बारे बन जाते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के गुब्बारे बन जाएंगे। हटाते हैं इसको, इन गुब्बारों से क्या होगा? इन गुब्बारों को बोलते हैं टाइलोसिस, टाइलोसिस फॉर बाय द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्या मतलब हुआ इसका? पैरेन्काइमेटस टिश्यू आउटग्रोथ करेंगे, फूल जाएंगे और गुब्बारे जैसी संरचना बन जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे टाइलोसिस। मतलब कैलोज तो बना, साथ साथ और भी सुरक्षा के लिए क्या किया गया? गुब्बारे, अगर इस चैम्बर में कोई फंसा है तो इधर नहीं आ सकता, इधर फंसा है तो इधर नहीं आ सकता। इसको इस तरह से इस पूरे सेल को सील कर दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसा ही है कि जिस आप रेलवे किनारे कभी कभी देखते होंगे परित्यक्त लिखा रहता है, एबंडेंट, उसको क्या किया जाता है? न सिर्फ सील कर दिया जाता है, सील करने के बाद उसके ऊपर से पत्थर वगैरह से भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर और भी अराजक तत्व न जा सके। जनरली ऐसा करना चाहिए, लोग नहीं करें तो अलग बात है। समझ में आ रही बात ये बच्चा लोग? समझ में आ रही है? सब सो गए? अब बात करते हैं हम लोग कंपेनियन सेल की बात। कंपेनियन सेल का मतलब होता है सखी कोशिका। सखी का क्या मतलब हुआ भाई? अर्पणा भगत, अंकिता सिंह, सखी का मतलब बताइए। अब अगर गर्ल्स को सखी नहीं पता तो इट इज वेरी सैड। अच्छा भाई, सखा वाले लोग, सखी का मतलब दोस्त होता है। अच्छा अच्छा, हमें उम्मीद थी कोई वॉइस ही बताएंगे। सखी की, गर्ल्स को सखी नहीं पता,
हाँ भाई हाँ 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 तो बताना चाहिए था ना। चलो कंपेनियन चल गया था। कंपेनियन सेल सखी जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। कंपेनियन सेल क्या करेगी? हमेशा सीव सेल या सीव ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। अगर मान लीजिए ये क्या है सीव सेल, इससे जुड़ी हुई हमेशा जुड़ी हुई मिलेगी आपको कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हमेशा जुड़ी हुई मिलेगी। ऐसा कहा जाता है या डिस्कवरी से पता चला है कि सीव सेल और कंपेनियन सेल मदर सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से बनते हैं। सीव सेल और कंपेनियन सेल मदर सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से बनते हैं। समझ में आ रही बात? कंपेनियन सेल जनरली एक सीव सेल से एक ही कंपेनियन सेल जुड़ी रहती है जनरली, बट कभी कभी एक से कई भी कंपेनियन सेल्स जुड़ सकती हैं। ऐसा कब होगा? मैंने आप लोगों को बताया कि जनरली एक सीव सेल से एक जुड़ी रहती है, बट ऐसा देखने में आया है कि एक से कई भी जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन जब एक से कई जुड़ जाएंगी, एक से कई सीव सेल्स कंपेनियन सेल्स जुड़ेंगी, तो उनका साइज इतना बड़ा ना हो करके छोटी साइज होता है। देखिए बना लीजिए इसको। देख लिया आप सबने। अब ये तो जनरली पाया ही जाता है, जो इसमें पाया जाएगा ये कहां कहां पाया जाएगा इस तरह कंडीशन? ये कंडीशन पाया जाएगी कैरेट में। कैरेट का मतलब गोभी, गाजर, कैरेट और सम उडी प्लांट्स। सम उडी प्लांट्स में देखने को मिलता है जहां एक से ज्यादा कंपेनियन सेल जुड़ी रहती है किससे? सीव सेल्स। ठीक है, बना लीजिए इसको। ऐसा पढ़ा दिया जाए कि आप सब अपने कान में ईयरफोन डालें, एक बार वीडियो देख लें, तो आपको एग्जाम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाएं। इसीलिए इसी ध्येय को ध्यान में रख करके ये वीडियो आप सबको बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपने देख लिया क्या करते हैं अब? अच्छा ये बताइए, सीव सेल्स क्या लिविंग थी या नहीं? सीव सेल्स लिविंग थी। सीव सेल्स आर लिविंग बिकॉज दे हैव प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की थिन लेयर मौजूद थी। ऑल्दो दे डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस बट दे हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म। कंपेनियन सेल्स आर आल्सो लिविंग सेल्स, बट क्या डिफरेंस हुआ सीव सेल्स में और कंपेनियन सेल में? एक ही मदर सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से डिवाइड हुई है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, एक मदर सेल के लॉन्गिट्यूडनल
डिवीजन से बनी हुई दो कोशिकाएं सीव सेल्स और कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स में कम पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द कंपेनियन सेल। ध्यान दीजिएगा, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द इन व्हाट कंपेनियन सेल। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? हाँ, ये दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। हाई साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। एक बार ध्यान दीजिएगा, प्लस आप लोग एग्जाम की कॉपी पे मत लिख दीजिएगा, आप लोग प्लस की जगह प्रेजेंट ही लिखिएगा। ये सिर्फ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के दृष्टिकोण से। न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। वास्तव में कंपेनियन सेल का काम क्या है? कंपेनियन सेल का काम है फंक्शन, यहां हेडिंग लिखिएगा फंक्शन, टू मेंटेन द प्रेशर इन, टू मेंटेन द प्रेशर इन सीव सेल आर सीव ट्यूब। हम सीव ट्यूब लिख दे रहे हैं, by controlling the passes of food material, by controlling the passes of food material, ठीक है, ये इसका काम है। ये बहुत मुख्य काम है, ऐसा लगता है सिर्फ एक काम करता है। अच्छा, अभी हम लोग जब पढ़ लेंगे अपना परमानेंट टिश्यू, तो चूंकि ये आपके कोर्स में नहीं रहेगा, कैसे असेंट ऑफ सैप होगा, कैसे ट्रांसलोकेशन होगा फोटोसिंथेटिक मटेरियल का लीफ टू रूट, और वाटर की सप्लाई कैसे होगी रूट से लीफ में, ये मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि जिसको जानकारी चाहिए होगी वो डिटेल आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे प्रेशर को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, कैसे जड़ों से लीफ तक या शूट एरिया तक, रूट से शूट एरिया तक फ्लो होता है वाटर, और लीफ से रूट एरिया तक, इवन ब्रांचेस तक, हर जगह कैसे खाना पहुंचाया जाता है। ये प्रक्रिया का वीडियो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगा। फिलहाल आप लोग ये जानिए, टू मेंटेन द प्रेशर इन द सीव ट्यूब बाय द कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फूड मटेरियल, कौन करता है ये काम? कंपेनियन सेल। आइए आगे देखते हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के केस में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये सब टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो फिर काम कैसे करेगा, काम कैसे चलेगा? यहां पर सीव सेल से एल्ब्यूमिनस सेल जुड़ी हुई होती है। आपको ध्यान होगा कि कंपेनियन सेल किससे जुड़ी होती है, तो जुड़ी हुई होती है अपने सीव सेल से। दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, तो ये काम कैसे चलेगा? यहां पर इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल
एल्ब्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट. एल्ब्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट हियर. आइए बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में. मिटा दें सबको, सुरभि मिटा दें. होमेंद्र, होमेंद्र मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? कंपेनियन सेल्स किससे जुड़ी हुई होती है? होमेंद्र, कंपेनियन सेल किससे जुड़ी हुई होती है? सीप ट्यूब या सीप सेल से? क्या सिर्फ हमेशा जनरल केस में क्या होता है, एक सीप सेल से कितनी सेल्स जुड़ सकती हैं? एक सीप सेल से कितनी कंपेनियन सेल्स जनरली जुड़ी हुई होती हैं? सिर्फ एक. अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक से कई जुड़ जाए? ऐसा ऐसा कहां पाया जाता है? कैरेट और सम पुडी प्लांट्स में. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये याद हो चुका है. हम इसी तरह से इंटरैक्टिव सेशन चलाया करेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए. फ्लोएम पैरेन्काइमा फटाफट लिख लेते हैं इसको. फ्लोएम पैरेन्काइमा, the parenchyma cells found in the phloem, phloem area is known as phloem parenchyma. Found in phloem is known as phloem parenchyma. नोट करिए आप लोगों ने. क्या काम करेंगे यहां पे भी, इसका काम स्टोरेज का ही होगा. स्टोर करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे स्टार्च, फैट, टैनिन एंड अदर फूड मटेरियल. दे स्टोर स्टार्च, फैट, टैनिन एंड अदर फूड मटेरियल. अदर फूड मटेरियल अक्सर हम लोग नाम लेते हैं प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू. आज हम ये बता देंगे कि व्हाट इज प्राइमरी फ्लोएम, व्हाट इज सेकेंडरी फ्लोएम, व्हाट इज प्राइमरी जाइलम, व्हाट इज सेकेंडरी जाइलम एंड अदर प्राइमरी टिश्यू एंड सेकेंडरी टिश्यू के बारे में. लेकिन इससे पहले इसको हम लोग समाप्त कर लें. मुख्य तो यही है, इसके साथ साथ दिखाई नहीं दे रहा क्या प्रथम? अभी जो फ्लोएम की पैरेन्काइमा सेल्स है, अगर ये पाई जा रही है प्राइमरी फ्लोएम एरिया में, इफ दिस पैरेन्काइमा सेल इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम एरिया या इन द प्राइमरी फ्लोएम,
they are longitudinally situated. They are longitudinally situated. Laterally with CQ. CQ. अगर ये प्राइमरी फ्लोएम के केस में पाई जा रही है तो अगर ये सीव्स हैं तो पैरेन्काइमा सेल्स भी ऐसे ही लेटरली सिचुएटेड होंगे, ऐसे ही, ठीक है, नजर आ रहा। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, in case of secondary phloem, they may be vertically arranged or horizontally arranged. Vertically or horizontally placed or situated. मतलब ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी, दोनों तरीके से भी हो सकती हैं, ठीक है, बना लीजिए इसे। लॉन्गिट्यूडनली अगर प्लेस्ड है तो किसके साथ है, किसके पैरेलल चलेगा ये, लैटरली किसके चलेगा, सीव एलिमेंट्स के थ्रू या सीव ट्यूब के थ्रू। लेकिन अगर ये सिचुएटेड है किसके दिशा में, रेल ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो गया तो, हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये हेल्प करेगा इफ The phloem parenchyma cells is horizontally placed, they can help in the radial conduction of food. Material. लिख लिया आप सभी लोगों ने। बात करते हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में, मिटा दें। बात करें छोटा सा भी और बचा हुआ है ये फ्लोएम फाइबर। जाइलम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जाइलम फाइबर की सेल्स लॉन्ग होती हैं, यहां पर भी सेल्स लॉन्ग होंगी, लॉन्गर इन साइज या लेंथ कहे, लॉन्गर इन लेंथ, लंबी होंगी। यहां पर एक फर्क है जाइलम फाइबर से, जाइलम फाइबर्स में सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स दोनों पाए जाते हैं। लिब्रीफॉर्म फाइबर बताया गया था आप लोगों को, ट्रैकेट्स बताया गया था आप लोगों को, यहां पर इस तरह का डिवीजन ना होकर के सिर्फ और सिर्फ सिंपल पीट्स पाया जाएगा, ओनली सिंपल पीट्स प्रेजेंट, पीट्स प्रेजेंट। ये भी लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। इसके साथ साथ
जैसा कि फाइबर का काम है स्टोरेज के साथ साथ क्या काम करना, सपोर्ट प्रदान करना। तो यहां पर क्या काम है ये करेगा, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब कुछ लोगों को ना? Yes, sir. अगला देखते हैं ट्रांसपोर्ट सेल्स। आपने ट्रांसपोर्ट सेल्स सेम वर्क एज अ जाइलम ट्रांसफर आर ट्रांसपोर्ट सेल, जैसा कि जाइलम की ट्रांसफर सेल ट्रांसपोर्ट सेल्स करती हैं, वैसा ही ये भी करती हैं। सेम एंड स्ट्रक्चर में भी सेम ही होती हैं, जैसे इनके में भी सेल वॉल में क्या होगी, इनर फोल्डिंग्स होंगी। सेल वॉल्स में क्या पाई जाएंगे, इनर फोल्डिंग पाई जाएंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर होगा। सेल वॉल इनर फोल्डिंग, सेल वॉल फोल्डेड, ये लिखिए फोल्डेड, और इसे क्या लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल फोल्डेड एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ, ये आपस में किससे कनेक्ट होंगी, प्लाज्मोडेस्माटा से। ये क्या है, प्लाज्मो डेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मो डेस्मेटा से, बाकी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है। सैप इसमें से होते हुए एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो करेगा, यही इसका फंक्शन है। आपस में इसी सबसे खास बात क्या होगी, अगर ये फ्लोएम में पाया जाएगा तो फ्लोएम ट्रांसफर सेल कहेंगे, जाइलम में पाया जाएगा तो जाइलम ट्रांसफर सेल कहेंगे। They have the characteristic inner foldings up in their cell wall. इसी से आप इसे पहचान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फ्लोएम आज समाप्त होता है। जिसको सुनने में दिक्कत हुई है या बार बार अगर आप इसे ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा, तो जो आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। एनाटॉमी की सारी क्लासेस धीरे धीरे यूट्यूब पे जा रही हैं, आप सब इत्मीनान से सुन लिया करिए उसे। ठीक है, yes, sir. और बाकी नोट्स की कुछ खास चिंता मत करिएगा, कुछ लोग मुझसे पीडीएफ वगैरह मांग रहे थे। पीडीएफ वगैरह देखिए, किताब फोटो खींच के भेज देना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज। अगर किताब आपके पास है तो आप खुद ही पढ़ के ज्ञानी बन जाए, हमारी आवश्यकता ही क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बार बार इसे सुनिए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी नोट्स खुद ही बना लेंगे। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया है उसके बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर।